कोरोना को हराना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इसे पहले ही महामारी घोषित कर चुका है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं और इस वायरस को पहले कभी भी नहीं देखा गया। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण बताए जाते हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका भी इजाद नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि कोरोना से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी जो छोटी छोटी सावधानी है उनको बरता जाए तो कोरोना को आराम से हराया जा सके। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और अपने परिवार और आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं संजीवनी CBCC कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और कैंसर सर्जन डॉक्टर, आपको बता दें, यूसुफ मैमन जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम। यूसुफ साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। नमस्कार यूसुफ साहब। डॉक्टर यूसुफ नमस्कार। जी डॉक्टर यूसुफ, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि कोरोना को हम छत्तीसगढ़ में किस स्टेज में देख रहे हैं और प्रेजेंट सिनेरियो में छत्तीसगढ़ की क्या जो स्थिति है, कंडीशन है? देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में दो पेशेंट आए थे जो बाहर लंदन से आए थे और उसके बाद से कोई और नए मरीज ठीक होने के बाद हमारे क्षेत्र में नहीं मिले हैं। एक कटघोरा करके जो जगह है कोरबा के पास, उस जगह से तबलीगी जमात वाले जो मरीज और उसके संपर्क में जो आए हुए मरीज हैं वही जो है वहीं से हमारे को कुछ मरीज मिले थे, जो कि अभी पिछले एक सप्ताह से वहां से भी कोई मरीज अभी नहीं मिल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड स्थिति में है और सौभाग्य से दूसरे जिलों में अभी कोई भी इस लॉकडाउन के दौरान, जो कि पहले 21 दिन और फिर अभी 10 दिन करीब गुजर चुके हैं, कोई नए मरीज नहीं मिले हैं, तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम दूसरे जो अन्य राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनसे हम बहुत बेटर कंडीशन में छत्तीसगढ़ इस वक्त स्टैंड कर रहा है। कितना डिफिकल्ट है डॉक्टर यूसुफ, अगर हम कोरोना को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो 24/7 ना केवल फील्ड पे हैं बल्कि आप हर तरह से फेस कर रहे हैं, हर सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों के लिए और किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली आप लोगों को किस तरह से सहयोग किया जा रहा है? देखिए, डिफिकल्ट तो सारे डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स अभी दो तरह से कार्य कर रहे हैं। एक तो वो जो डायरेक्टली कोरोना से लड़ रहे हैं, जैसे एम्स के डॉक्टर, उन लोगों की समस्याएं हमसे ज्यादा हैं क्योंकि वो डायरेक्टली उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित है। हम लोग जो हैं, हम ऐसे डॉक्टर हैं जो हम कोरोना से डायरेक्टली तो हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, हमको ये ध्यान रखना होता है कि कहीं, क्योंकि हम रोज नए नए लोगों से मिल रहे हैं, हमें उनका एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उनकी जांच करनी पड़ती है, कई बार हमें उनकी बायोप्सी और सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है, तो हमें ये सावधानी रखनी होती है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो नया हमारे यहाँ आ रहा हो वो किसी ऐसी जगह से आया हो जो कि जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा है, या उसे ही कोई ऐसा सिम्टम आ रहा हो जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जो कोरोना के लक्षण होते हैं, तो हम इन मरीजों का स्पेशल, मतलब हम उसे एक तो हिस्ट्री लेते हैं, हम ध्यान रखते हैं, हमारे स्टाफ को भी हम लोगों ने सूचित करके रखा है
एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट से ज्यादा ना आए, हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ की स्थिति ना हो, रिसेप्शन एरिया में भी हम लोगों को 1 मीटर की दूरी में एक दूसरे से बैठने की हिदायत देते हैं, और मरीजों की संख्या भी अभी हालांकि बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे जैसे हॉस्पिटलों में सभी क्षेत्रों से मरीज आते हैं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से अभी मरीज अपने घरों से भी नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर यूसुफ, क्योंकि जिस तरह से जो मास्क यूज करने के लिए कहा जाता है, जो मास्क लोग यूज करते हैं, तो मास्क भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से मास्क हैं, आप लोग कौन से मास्क यूज करते हैं, और इनकी जब इनको एक मास्क को यूज किया जाता है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, अगर ये जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। जी देखिए, सबसे अच्छा मास्क तो सभी जानते हैं कि ये N95 मास्क होते हैं। उसके बाद और दूसरे तरह के मास्क होते हैं, जैसे 3-ply मास्क 3-layered और 2-ply मास्क 2-layered। तो सबसे अच्छा मास्क जो होता है वो N95 मास्क होता है, और यह भी है कि ये जो मास्क है इनको एक बार जब हम यूज करते हैं तो अधिक से अधिक हम 6 से 8 घंटे हमें यूज करना चाहिए, उसके बाद ये मॉइस्ट हो जाता है, ये खराब हो जाता है। अगर हमें, चूंकि रिसोर्सेज की हमारे यहाँ कमी है और हमको अगर इसे रीयूज करना है, तो एटलीस्ट हमें N95 मास्क भी 3 या 4 मास्क रखने चाहिए, और अल्टरनेट 3rd डे या 4th डे में हमें उस मास्क को दोबारा हम यूज कर सकते हैं। जी डॉक्टर यूसुफ, जिस तरह से एक मिथ भी है लोगों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिसको नॉर्मली सर्दी जुकाम भी हो रहा है वो भी COVID-19 के लिए ही अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहा है, तो ऐसे में आप लोग कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और जिस तरह से जो सैंपल लिए जाते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, और इसकी क्या कुछ फैसिलिटीज आपके हॉस्पिटल में है? देखिए, अभी तो सारे सैंपल्स जो है वो एम्स में ही लिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं। ये जो सैंपल लिए जाते हैं नेजल स्वैब के रूप में लिए जाते हैं। सर्दी खांसी होने पर जरूरी नहीं कि वो कोरोना ही हो, और चूंकि हमारे पास टेस्टिंग बहुत बहुतायत मात्रा में नहीं है, ये लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए इसे हर मरीज पर यूं ही वेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अभी लिमिटेड और बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो जो व्यक्ति जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, जैसे सर्दी खांसी बुखार सांस में तकलीफ होना, जिन्होंने जिनकी अभी कोई रिसेंट फॉरेन में ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है, यूजुअली ऐसे लोगों को पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करके उनको ये तय किया जाता है कि किन मरीजों में हमको ये टेस्ट करना चाहिए, किन मरीजों में अभी हमें ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। रैपिड टेस्ट किट जो है वो अब जल्दी ही ऐसा हम लोगों को मालूम चला है कि वो आ रहे हैं, इससे अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हम लोग जो है ये किट रखने लगेंगे, और हमारी प्रोसीजर्स की पहले, सर्जरी की पहले हम ये टेस्ट करने लगेंगे। फिलहाल तो ये किट अभी उपलब्ध नहीं है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एम्स में ही हो रहे हैं। जी, तो अगर हम बात करें जिस तरह से संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे वो तमाम इमरजेंसी फैसिलिटीज अभी भी अवेलेबल है, सुविधाएं दी जा रही हैं जो पहले से ही यथावत चल रही थी? जी हाँ, संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर के सारे मरीजों की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जा रही है। पेट स्कैन अब हम फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेट स्कैन की दवाएं जो है वो फ्लाइट से मुंबई से आती हैं, लेकिन चूंकि अभी फ्लाइट सस्पेंडेड है, ग्राउंडेड है, इसकी वजह से पेट स्कैन नहीं हो पा रहा है। बाकी अन्य सुविधाएं जो है वो अभी शुरू है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है एक प्रकार से सेमी इमरजेंसी या इमरजेंसी ही है, और अगर कैंसर का ट्रीटमेंट सही समय पर न किया जाए, रेगुलर न किया जाए, तो कैंसर के बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए कैंसर के मरीजों का इलाज अभी यथावत शुरू है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, अगर उसको कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव पाया जाता है, तो कितना ये घातक साबित हो सकता है? क्योंकि अमूमन हमने नॉर्मली सुना है कि शुगर वालों के लिए ये बहुत ज्यादा मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अगर मीन वाइल अगर ये किसी कैंसर पेशेंट को अगर कोरोना वायरस उसके सिम्टम से पॉजिटिव आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या चीजें हो सकती हैं फिर? देखिए, अगर किसी कैंसर पेशेंट को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है,
तो उसके सीरियसली इल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। कैंसर पेशेंट्स यूजुअली जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, खाना पीना इनका कम होता है, ये क्रॉनिक डिजीज है, लंबे समय की बीमारी है। कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, खास करके कीमोथेरेपी से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो कोरोना वायरस जो है वो उन लोगों में ज्यादा ज्यादा स्थिति को गंभीर कर सकता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इम्यूनोलॉजिकली जो चैलेंज्ड होते हैं, और ये कैंसर पेशेंट इसी तरह के पेशेंट होते हैं। अगर किसी पेशेंट में इस तरह की संभावना होती है तो उसे पहले कोरोना का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि कोरोना का इलाज या उसको एसिम्प्टोमेटिक होने में 3 से 4 सप्ताह लग सकते हैं, और कैंसर का ट्रीटमेंट इतने दिनों तक हम आसानी से डिले कर सकते हैं। लेकिन कोरोना के रहते हुए कैंसर का इलाज करना पेशेंट के लिए और इलाज करने वाले डॉक्टर्स के लिए और उस जगह पर आने वाले दूसरे मरीजों के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए कोरोना के मरीज, अगर कैंसर के मरीजों को कोरोना हो गया तो उसे पहले कोरोना को ठीक करा लेना चाहिए। जी, जिस तरह से ये जो कोरोना वायरस है ये कितने दिनों तक ये एक्टिव रहता है? जैसे अमूमन होता यह है कि पहली जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आ गई, दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, फिर तीसरी रिपोर्ट फिर नेगेटिव आ जाती है। तो अगर किसी कोरोना सस्पेक्टेड से हम मिले, जिसको कोरोना वाकई में है और उस शख्स से अगर हम मिले हैं, उसके संपर्क में बहुत ज्यादा वक्त तक रहे हैं, तो इस कंडीशन में उसका जो वायरस है वो कब तक ये एक्टिव रहता है, क्या कुछ इसको लेकर आप कहेंगे? देखिए, एक मनुष्य के शरीर में जब वायरस प्रवेश कर जाता है तो वो 2 से 14 दिन का उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और इस दौरान में वो पेशेंट सिम्टोमेटिक हो सकता है। और एक बार जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है, जब कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद उसकी फिर हर 5वें दिन में टेस्ट किया जाता है, और एक बार जब वो निगेटिव आ जाता है तो उसके बाद भी उसे जो है 14 दिन या 28 दिन, अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम है, उनको फिर से क्वारंटाइन में रहने की और फिर से एक बार टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। तो ये जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होने की वजह से थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि पेशेंट को कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन उसमें वायरस हो सकते हैं, या अभी अभी कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है कोरिया में कि वो फिर से रीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे मरीज जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें भी बहुत दिनों तक के, जैसे कि जो भी अलग अलग जगह की नियम है, जैसे हमारे यहाँ 14 दिन कहते हैं, कई जगह पे 28 दिन कहते हैं क्वारंटाइन में, या डॉक्टर अलग रहने आपको की रोकना चाहूंगी मैं, और उसके बाद भी उन्हें ज्यादा सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर यूसुफ, रोकना भी चाहूंगी मैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर सतना से जुड़ गए हैं, रोहित है। रोहित, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए, आप अपना सीधा सवाल कर सकते हैं डॉक्टर यूसुफ से। मेरा सवाल था कि जैसा ये मौसम बदल रहा है, गर्मियां चल रही, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो जिनको मौसम बदलने से सर्दी जुकाम हो जाता है ऐसे ही, तो उन्हें ज्यादा खतरा है कोरोना का? ठीक है, नहीं देखिए, कोरोना का खतरा उन्हें ज्यादा है ऐसा नहीं है। कोरोना का खतरा उन्हें ही ज्यादा है जो कोरोना व्यक्ति, जो दूसरे कोरोना से पीड़ित संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आए। अब जैसे हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किसी जिले में कोरोना के मरीज ही नहीं है, तो वहाँ पे सर्दी खांसी बुखार अगर किसी को होता है वो सीजनल होता है, और चूंकि वो वायरस के संपर्क में है ही नहीं तो उसे कोरोना होने का ज्यादा खतरा होगा ऐसा नहीं है। तो रोहित, जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और कुल मिला के यहाँ पे डॉक्टर यूसुफ का कहना ये भी है कि आप सभी को एहतियात बरतना है, जो गाइडलाइन जारी की गई है उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आपको भी सुरक्षित रहना है और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। हम अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि आप अपने टेलीविजन सेट पर देख सकते हैं जो टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर यूसुफ मेमन सीधे आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर यूसुफ, जिस तरह से यहाँ पे रोहित ने भी सवाल किया कि इस तरह से अगर सर्दी जुकाम के अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या इनको कोरोना होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ये उनका सवाल था, और आपने बताया कि इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन
इस वायरस को कैसे फैलने से रोका जा सकता है? बचाव के लिए हम लगातार हमारे कार्यक्रम का भी मकसद यही है कि किस तरह से बचाव किया जा सके। हम आप जैसे कोरोना जो वॉरियर हैं उनसे तमाम सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और क्या कुछ एहतियात किए जा सकते हैं, किस तरह का लाइफ स्टाइल बरता जा सकता है जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी सिस्टम है हम उस इम्यूनिटी को डेवलप कर सकें? देखिए, सभी अभी हम ये सभी जान रहे हैं, बार बार मीडिया में और सोशल मीडिया में, न्यूज़ में बार बार ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कैसे निकलते हैं? जब हम खांसते हैं, तो रोकना छींकते हैं, चाहूंगी या जब हम बात करते हैं या हम सांस छोड़ते हैं, जी रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर तब ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं ये जी जी इस सवाल का भी मैं आपसे जवाब दूंगी। कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं प्रदीप। प्रदीप जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। प्रदीप जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? लगता है प्रदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पुणे से संजय जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। धन्यवाद मैडम, मैं संजय बोल रहा हूँ। जी जी मेरा सवाल डॉक्टर यूसुफ से है कि मदर जो है वो पिछले 2.5 साल से कैंसर ट्रीटमेंट ले रही हैं और उनका अभी जो ट्रीटमेंट है वो सारा कीमो वगैरह रेडिएशन वगैरह सारा कुछ बंद हो गया है एंड नाउ शी इज रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। सो अभी उनका पोर्ट जो है वो अभी इंस्टॉल्ड है एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस, और वो पोर्ट जो है वो हमें हर 4 वीक्स के बाद फ्लश करवाना पड़ता है। दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज फार एज मेडिकल कंडीशन आर कंसर्न। सो अभी लॉकडाउन के चलते हुए क्योंकि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट पे पोनी के अंदर है, तो क्या वो फ्लश जो है वो कभी 8-10 दिन या लॉकडाउन ओपन होने तक हम स्ट्रगल कर सकते हैं टेम्परेरली? ठीक, बिल्कुल। पोर्ट फ्लश जो है वो बाद में भी किया जा सकता है। पोर्ट फ्लश इसलिए किया जाता है कि वो कभी ब्लॉक ना हो जाए और कीमोथेरेपी देने में हमें असुविधा ना हो, और ये एहतियातन पोर्ट फ्लश जो है वो महीने महीने में किया जाता है। लेकिन हमने कई मरीजों में देखा है कि कई बार वो 6-6 महीने तक की उन्होंने पोर्ट फ्लश नहीं करवाया और उसके बाद भी उनका पोर्ट जो है वो बराबर काम करता है, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों से दूर रहना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो ज़्यादा घातक है। ठीक संजय जी, जाहिर सी बात है डॉक्टर यूसुफ के जवाब से आप इत्मीनान में भी होंगे, जो परेशानी थी आपकी उसका निजात उन्होंने बता दिया। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक और दर्शक जुड़ गए हैं, भीम। भीम जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए आप अपना। जी जी भीम जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। मेरे को ये बताना है कि आप जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनको छोड़ के किसी नेचुरोपैथी वाले से बात करो। मैं 80 साल का हूँ और मैं 40 साल से नेचुरोपैथी करता हूँ। जो नेचुरोपैथी करता है उसको किसी प्रकार का कोरोना फरोना नहीं आ सकता। उसको बोलो नेचुरोपैथी को फॉलो करो, उपवास करो। सबसे बेस्ट है कि जिसको भी कोरोना है ना वो 3-4 दिन में खाना छोड़े। ठीक ठीक ठीक, अपने अंदर से जो भी बलगम है जो शरीर के पास है वो अगर उसकी आप बॉडी उसके फ्री हो जाती है तो उसको सवारी नहीं पैदा। मैं 80 साल का हूँ, मेरे को भाई साहब कोरोना नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया भीम जी, आपने बहुत शुक्रिया। और हम देखिए लोगों में बड़ा मिथ है ये कि कोरोना उन्हें नहीं हो सकता। देखिए नेचुरोपैथी से इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ सकती है लेकिन कोरोना ना हो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। ये उसी प्रकार का है कि जैसे कुछ धार्मिक लोग कहते हैं कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, तो हमें इन सब चीजों से, इस मिथ से बचना चाहिए। कोरोना किसी को भी हो सकता है। ये है कि नेचुरोपैथी से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ सकती है जिससे हम सीरियस नहीं होंगे, ये बात समझ में आती है। लेकिन कोरोना ना हो ऐसा ये कहना ठीक नहीं है। बिल्कुल,
और स्वराज एक्सप्रेस भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि इस तरह की मिथ ना पाले कि आपको किसी तरह से कोरोना नहीं हो सकता, अगर थोड़ी बहुत भी शंका है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। कॉलर जुड़ गए एक और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, बिल्कुल इंदौर से सुरेंद्र। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। लगता डिस्कनेक्ट हो गया फोन, दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर यूसुफ, ये इस तरह का मिथ हमने अमूमन हर किसी में देख लिया है कि भाई मुझे कोरोना नहीं हो सकता, मुझे नहीं हो सकता। जी। और जो इस बात का दावा कर रहे हैं सबसे ज्यादा लोग भी वहीं से आ रहे हैं कि उन्हीं में ही कोरोना पॉजिटिव या कोरोना सस्पेक्टेड लोग भी वहीं से निकल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग या किसी भी सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल साथ आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी, माफी के साथ एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। इंदौर से हमारे कॉलर जिनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था सुरेंद्र जी, वो एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी जी साहब, मैं 71 साल की उम्र है मेरी, मैं इंजीनियर रिटायर्ड, मुझे मालूम है कि ये कोरोना जो संक्रमण बीमारी चल रही है, मुझे भी थोड़ा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन मुझे मतलब करीब करीब 2 साल से चलती है, सूखी खांसी चलती है, लेकिन दिक्कत नहीं है। सांस लेने में थोड़ी सी तेज चलता हूँ तो हाँफनी जरूर आती है, नहीं तो धीरे चलने पर कोई दिक्कत नहीं होती। और कभी कभी हृदय तरफ से मेरे को थोड़ा सा तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कुछ चुभन जैसी हो रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन डर लगता है। घर वालों से भी मैं सोचता हूँ कि आइसोलेट होके रहे, कि क्या करें, कि किससे सूचना ले कि अपन कुछ बीमारी तो नहीं है, कोरोना का इफेक्ट तो नहीं है, ये एक डर जरूर है, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन आपसे राय लेना चाहता हूँ कि वाकई कुछ ऐसा है तो नहीं। ठीक, देखिए सावधानी जो है वो सबसे अच्छी चीज है। अगर आप सावधानी रखते हैं और एहतियातन जो है आप अच्छे डॉक्टर से, अपने घर के आसपास या आपकी जो फैमिली फिजिशियन है उससे सलाह लें, अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आप टेली मेडिसिन से अपने फैमिली फिजिशियन से सलाह ले सकते हैं तो सलाह लीजिए। आपको जो लक्षण है वो कोरोना के नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं है, और आप अपने घर वालों के साथ भी रहते हुए अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ में सावधानी बरतते हैं, एक दूसरे की चीजों को यूज नहीं करते हैं, थोड़ी डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं, एक दूसरे का टॉवल ब्रश, एक दूसरे का ब्रश यानी कंघी का ब्रश, ये जो है हम यूज नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बार बार हाथ धोना, इस तरह की आदतों को हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि डॉक्टर यूसुफ अब हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, वक्त की भी बेहद कमी है, चलते चलते आप क्या कुछ हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे? देखिए एक तो लॉकडाउन के समय में घर में ही रहे, बहुत ही जरूरी कोई काम हो तभी घर से बाहर निकले, बाहर निकलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कहीं पर भी किसी दुकान में या कहीं पर भी आप जाते हैं तो काउंटर से दूर रहें, मास्क हमेशा लगाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चीजों को जो आप बाहर से लाते हैं उसमें भी वायरस हो सकते हैं उन्हें भी डिसइंफेक्ट करें या उन्हें कुछ समय के बाद यूज करें, उन्हें अच्छे से धो लें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, उन्हें बिल्कुल भी बाहर ना जाने दें, और जो भी आपके घर में भी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उन्हें पूरी तरह से सावधानी बरतने के लिए सलाह दें, आप भी उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि आपका इन्फेक्शन उन्हें न हो जाए, इन सब बातों का आप ध्यान रखें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूसुफ, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहरहाल मेरे साथ स्वराज सेहत में इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।